वाईफाई की जो मुहिम है इससे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। देखो, जनपद की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, ठीक है ना। बेरोजगार हमारे यहाँ 5 साल में इतना बड़ा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। युवा है, युवा तबके को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो वो तो बेचारा बेकार है। शहर की जरूरत है, विकास है, रोडें हैं। ये जो इनकी नई स्कीम आई है, रोडें सारी क्या बेकार पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं। और जो किसानों के मुद्दे हैं, किसान बेचारा धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। ऊपर आने की बजाय इन्होंने बोला था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। नमस्कार, मैं समीर अली, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है, आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। चुनावी दौर चल रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों के मुद्दे समझ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। आप किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, बातचीत करके समझेंगे कि किसान किस दिशा में जा रहे हैं, इनके जनपद में किस तरह की फिजा है, चुनावी दौर चल रहा है। बहुत स्वागत है आईपा पर आपका। आईपा का जो आईपा की मुहिम है इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और रही बात किसानों के मुद्दे की, जो किसान के साथ होगा वोट उसके लिए होगी। कहीं ना कहीं आपके जो नेता हैं, पहले उन्होंने किसी और से वादा किया, अभी अपने बयान से पलट गए हैं, अभी कह रहे हैं भाई 1 फरवरी के बाद हम सोचेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सीधी सी बात है, जो जो भी गवर्नमेंट है और जो किसान के हित की बात होगी वोट उसी को होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो विकास की बात करेगी और जो सबको साथ लेके चलेगी उसी के साथ हम लोग। अच्छा, समझना चाहेंगे भाई बुलंदशहर के वो क्या मुद्दे हैं जिस पर इस बार पुलिंग होने वाली, कहीं ना कहीं लोगों ने मुद्दे क्या बनाए हुए हैं, क्या माइंड सेट किया हुआ है कि भाई कोई नेता आएगा तो उससे हम ये कहेंगे, हम इस तरह के विकास की बात करेंगे, क्या वो ज़रूरतें हैं शहर की? देखो, शहर की जरूरत है, विकास है, रोडें हैं। ये जो इनकी नई स्कीम आई है, रोडें सारी क्या बेकार पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं। और जो किसानों के मुद्दे हैं, किसान बेचारा धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। ऊपर आने की बजाय इन्होंने बोला था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। किसानों की आय दुगनी होने की बजाय किसान तो नीचे जा रहा है बेचारा। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने कि किसानों के लिए कुछ बोला है या इन्होंने विकास कार्य किया है, कहीं कुछ भी नहीं है। सब इनके वादे बेकार हैं, सब धोतले वादे हैं इनके, ये सब क्या बेकार की हो। अच्छा, समझना चाहेंगे किसान जो खेती कर रहे हैं उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, क्या उसमें भी परिवर्तन आया है, जैसे कि खाद है या फिर केमिकल है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं? ऐसा है, देखो, जो भी डाई है या खाद है या बीज है, हर चीज पे पैसे बढ़े हुए हैं, हर चीज पे। अब किसानों के लिए तो वो सामान खरीदने के लिए और दिक्कत हो गई है, हर चीज पे पैसे बढ़े हुए हैं। अच्छा, डाई जो हम गेहूं में लगाते हैं वो मिलनी बंद हो गई थी, ब्लैक से मिल रही थी वो। तो अभी जैसे तरह का चुनावी सब समीकरण चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है, तमाम तरह के जो नेता हैं कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, तो आपके जो नेता हैं, जाहिर सी बात है भाई वेस्ट यूपी में काफी मायने रखते हैं जी, तो आप लोगों का क्या मन है? कहीं ना कहीं लोग तो आपके पास आ ही रहे होंगे, अलग अलग दल पहुंच रहे होंगे, तो क्या सोचा हुआ है, कोई इस तरह का आदेश आप लोगों को मिला है अभी तक? नहीं, हमारे हम लोगों को कोई आदेश नहीं मिला है। और आदेश भी यही है, जो आदमी, जो भी पार्टी, जो भी गवर्नमेंट किसान की बात करेगी वोट सिर्फ उसको मिलेगा, विकास की बात करेगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात करेगी, सिर्फ उसी को ही। लोग तो कह रहे हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो लोग उन लोगों को गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया है, इस तरह की बातें? नहीं, ये सब बेकार की बात है, किसी ने कोई भी मैनेज नहीं किया है, ये सब बेकार की। क्या आपके नेताओं ने कहा था कि वोट से जवाब दिया जाएगा, और अभी कह रहे हैं कि जो उनके पास आएगा वो आशीर्वाद पाएगा? नहीं, ये बात सही है कि वोट से ही जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। जो 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 भी पार्टी सिर्फ किसान की बात करेगी, विकास की बात करेगी, उसी को वोट
से ही जवाब दिया। मैनेज नहीं किया है किसी ने? नहीं नहीं, किसी का कुछ नहीं। अच्छा, समझना चाहेंगे शहर के क्या मुद्दे हैं इस बार? कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं, हम मन बनाते हैं कि भाई हम आपके जो नेता जी आएंगे हमसे वोट मांग लें, हम उनसे कहेंगे ये कराएं ये कराएं, क्या वो मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं जनपद की? देखो, जनपद की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, ठीक है ना। बेरोजगार हमारे यहाँ 5 साल में इतना बड़ा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। युवा है, युवा तबके को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो वो तो बेचारा बेकार है, ठीक है ना। अब उसके बाद व्यापार भी है। व्यापार आप ये देख लो, जब से ये ऑनलाइन का व्यापार लेके आए हैं, व्यापारी जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है। जब जब सारा सामान ऑनलाइन खरीद लिया जाएगा, दुकानदार से कौन क्या खरीदेगा, तो व्यापार भी बेकार है। आदमी क्या कहते हैं, दिन पे दिन बेरोजगार हो रहा है, रोजगार उसके देश पास के जो हुक्मरान है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई डिजिटल इंडिया होने से फायदा हो रहा है व्यापारी। डिजिटल इंडिया होने से फायदा हो रहा है, वो एक बार जमीनी स्तर पर आकर देखें ना, जमीनी स्तर पर आकर देखें, व्यापारियों से बात करें, युवाओं से बात करें, तो उनको स्थिति पता होगी। अब कागजों में तो आप अपनी जो भी आपकी वो है, इतना हमने रोजगार दे दिया, इतना आपने ये कर दिया, इस चीज से कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर क्या आप देखो, बात करो, आप उस पर जीरो हैं बिल्कुल एकदम। एजुकेशन का जो यहाँ पर लेवल है वो किस तरह का है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चों को, जो जो सरकारी स्कूल हैं उनका पढ़ाई किस तरह की है? आज भी अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो गवर्नमेंट जो एजुकेशन है वो फिर भी काफी हद तक ठीक है। प्राइवेट वाले तो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं और फीस को। आपके गांव में स्कूल ठीक है, पढ़ाई ठीक होती है? नहीं, गांव में स्कूल है ही नहीं। गांव में कहाँ स्कूल है, हमारे शहर में ये 2-4 स्कूल ही है जो इंटर कॉलेज है उनमें। अच्छा, प्राइमरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं? नहीं, वहाँ तो है ही नहीं पढ़ाई, वहाँ तो पढ़ाई ही नहीं, वहाँ तो बच्चे आते ही नहीं है। अगर आते भी हैं तो साले मास्टर कुल रहते हैं वहाँ, तो सीधा सा हिसाब है। एजुकेशन तो ही नहीं, अगर हमारे यहाँ क्या एजुकेशन बढ़िया हो जा तो हर चीज धीरे धीरे सुधरेगी। तो आप नहीं ये नहीं समझते हैं कि अगर यूपी के हुक्मरान ही सब बेहतर हो जाए, या जो यहाँ के कर्मचारी हैं वही जिम्मेदारी से अपना काम करें, जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं वही सही तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, तो प्राइमरी स्कूल का ही सिस्टम ठीक हो जाएगा और बच्चों को बेस अच्छा मिलेगा तो आगे की स्टडी में भी काम? नहीं, बिल्कुल यही होगा। अगर हमारे अधिकारी और ये हमारी गवर्नमेंट जो है सही तरीके से काम करें तो ये स्कूल ही हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अब से पहले हम क्या कहते हैं, हम भी पढ़ेंगे। चुनाव में ये मुद्दा होने वाला है कि नहीं होना? हाँ, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। शिक्षा का होने वाला है, बेरोजगार का होने वाला है, व्यापार का, हर चीज का मुद्दा होने वाला है। अच्छा, हमारे आईपा के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? तो आईपा की जो मुहिम है इससे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। और देखो, एक यही है कि भैया इनके क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की समझ में आए, इन लोगों की जानकारी में आए, युवा के लिए बात करें, रोजगार के लिए बात करें, शिक्षा के लिए बात करें, बस यही है मेरी अपील तो सब लोगों से। बाकी चुनाव में कुछ किसान अलग करने वाले हैं? बिल्कुल 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 अलग होगा, बहुत कुछ होगा जी। अब क्या आप देखो तो 10 मार्च आने वाली है, 10 मार्च में क्या होता है? मैनेज नहीं किया है? नहीं, मैनेज नहीं किया, बदलाव होगा, क्या होता है तो आप थे राजीव जी, भारतीय किसान यूनियन के आप कार्यकर्ता हैं, होनहार कार्यकर्ता हैं, आपका यही कहना है कि अभी तक किसी ने कोई मैनेज नहीं किया है, बस ये 1 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सरकार से इनकी बातचीत हुई है जिसके तहत इनको 1 तारीख तक इंतजार करना है, उसके बाद ये यही कह रहे हैं कि वोट से जवाब दिया जाएगा। बुलंदशहर के ज्यादातर लोगों से हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की है कि बुलंदशहर के वो मूल मुद्दे क्या हैं जो बुलंदशहर के लोगों की ज़रूरत है। ज़्यादातर बुलंदशहर में तमाम लोगों का यही कहना है कि जो बुलंदशहर के रोड हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़राब हैं, जिसके कारण लगातार हादसे भी होते हैं। सीवर के नाम पर हर तीसरे दिन रोड खोद दिया जाता है। इनका यह भी कहना है कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उस पर भी एक बार काम करने की ज़रूरत है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ आईपा के लिए मैं समीर अली।